मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे दोस्तों। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। और सबसे पहले तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा इतना शेयर किया, मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर दोस्तों बढ़ गए हैं, तो मुझे अच्छा लगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ दीजिए दोस्तों। फिर धीरे धीरे 100 हैं अभी, फिर 200 बनेंगे, 1000 बनेंगे, 2000 बनेंगे। और मैं अपने कंटेंट बढ़ाता भी जाऊंगा, क्वालिटी भी सब कुछ बढ़िया होती जाएगी दोस्तों, जैसे जैसे लोगों को पसंद आएगा। बाकी दोस्तों, बारिश का दिन है, बारिश तो चली रही है दिल्ली नॉर्डम, जो भी लोग हैं आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। बारिश चले, लेकिन फिर भी अपना देख लिए, आप तैयार है नहा धो के, निकलना है ऑफिस दोस्तों। जाएंगे तो ऑफिस स्टार्ट करेंगे काम, क्योंकि काम है तो नाम है, यही मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों। और मेरे पास दोस्तों एक दो मैसेज आए थे कि कोरियर में नौकरी करना मतलब फायदे में रहता है भैया, कि जॉब करने में कि खुद के काम में। और एक मैसेज आया था मेरे पास कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का अपना कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये मैं अपडेट सारी दिन भर में दूंगा। बाकी बारिश भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, भीगते भीगते दोस्तों काम करना ही। आपको कल भी देखा, आपने परसों भी देखा, तो काम है। और अपने पास बहुत अर्जेंट काम रहते हैं सारे कंपनी के काम, तो अपने को बहुत प्रियोरिटी करने पड़ते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आप लाइक करें, और अभी आप पूरी वीडियो देखें दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं। कैसे हैं साहब दोस्तों? खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? तो जैसा कि मैंने दोस्तों सुबह बताया था आप लोग को कि नए दिन, नई सुबह, नई शुरुआत, लेकिन काम वही दोस्तों। डिलीवरी पिकअप, कंपनी के पास जाना, उनके पैकेट्स डिलीवरी करना। बारिश, ये देख सकते हो आप मौसम, अभी बारिश का थोड़ी बहुत बूंदे पड़ भी रही हैं। हालांकि इतनी बारिश नहीं हो रही दोस्तों, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। पर अपना काम है दोस्तों, चलता है काम, है करना है करना ही, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो बस निकल पड़े दोस्तों डिलीवरी पे, देख सकते हो बैग, बैग के अंदर पैकेट्स हैं। वो एक बैग और है मेरी, आप दिखा दीजिए एक बार। यहाँ भी एक बैग और है हमारी, एक गाड़ी और है, एक लड़का हमारे यहाँ काम करता है अंकित, उसकी बैग है। तो दोस्तों डिलीवरी होती है ऐसी हमारी, ठीक है। और मुझसे कोई पूछा था, आप लोग में से मैसेज आया था कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज करते हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ कोरियर के लिए कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो स्प्लेंडर, मतलब मैं ये कोशिश करता हूँ कि माइलेज बढ़िया हो। तो आप स्प्लेंडर या स्कूटी या विक्की या प्लेटिना या बजाज, इस टाइप की गाड़ी लेंगे जिसकी माइलेज बहुत सुपर बढ़िया हो, तो वो आपके लिए बढ़िया। तो एक गाड़ी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए जिसकी माइलेज बढ़िया हो और बढ़िया कंडीशन में हो। जैसे हम लोग के पास स्प्लेंडर रहती है, तो इस तरीके से आप इस पर आराम से 50 से 40 kg माल अपना आप उठा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही मैं कहूँ कि अगर 100 किलो, 200 किलो है, तो उसके लिए सब देखो, सब कोरियर वालों के पास दोस्तों सब अपने अपने गाड़ी वालों के नंबर होते हैं। अगर ज़्यादा माल होता है तो हम ज़्यादा माल रहता है तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, कम माल रहता है तो बाइक में चला जाता है दोस्तों। तो आपके पास वो तो धीरे धीरे देखिए काम करेंगे आपको, कोई ना कोई तरीके से आपका निकल जाता है जुगाड़, ठीक है दोस्तों। चलते हैं गाड़ी डिलीवरी करने, और उसके बाद फिर आगे आपसे मिलते हैं, डिलीवरी करके दिखाते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब बनी होगी जो। हेलो दोस्तों, जैसा कि बताया था मैंने आपको लोग को कि डिलीवरी करने निकले थे, तो डिलीवरी तो हो गई दोस्तों। बस ये देख सकते हैं आप लोग, पैकेट सारे डिलीवर्ड हैं, और ये देखिए बैग भी पूरा एकदम खाली हो गया है। बस अब दोस्तों ऑफिस जाएंगे, फिर ऑफिस जाके फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद अपना दोस्तों पिकअप का काम हो जाता है। मतलब ये तो पैकेट्स हमारे डिलीवरी के लिए आते हैं, इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों जाते हैं कंपनी में कोरियर लेने। मतलब जो कंपनी अपने मटेरियल भेजती है, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई देहरादून, तो दोस्तों फिर इसके बाद आगे जाएंगे पिकअप पे खाना खा के दोस्तों ऑफिस में। मिलते हैं आगे आपसे वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है डिलीवरी हो गई है, और अब पिकअप भी ऑलमोस्ट हो ही गया, और आधा भी हो भी रहा है पिकअप दोस्तों। और ये चौथा कट है मेरे वीडियो का, ये चौथी बार मैं बना रहा हूँ, कोई ना कोई आ ही जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑफिस का काम है तो स्टाफ सारे आ रहे हैं, तो बात पूरी कर जा रहा है वीडियो, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही दोस्तों। और मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप स्टार्टअप, मेरे से एक लोगों ने पूछा था कि पूरे में स्टार्टअप का क्या सीन है, मैं जॉब से करूँ स्टार्ट या बिजनेस से करूँ अपने खुद को। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी चीज़ की आधी नॉलेज रहेगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें। तो अगर आपको पूरी नॉलेज लेके बिजनेस खोलना है तो आपको अच्छा सक्सेस तभी मिलेगा, ठीक है सर। तो आप लोग को मैं यही बताऊंगा कि आप पहले पूरा नॉलेज लीजिए उस चीज़ के बारे में। नॉलेज मतलब कोई जानकार बंदा उस लाइन का हो, आप उसके पास बैठिए, उससे बातें करिए, वो आपको अच्छे से बताएगा इस लाइन के बारे में। नहीं तो आप कहीं जॉब पे के लिए देखिए, पूरे स्टार्ट में नौकरी आपको अगर करेंगे तो आपको 12 से 14 हज़ार के बीच में ही मिलेगा सैलरी, जिस हिसाब से आप होंगे। तो आप 4 महीने 6 महीने आप जॉब भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद अपना आप खोल सकते हैं। और अगर आपको जॉब से बचना है, डायरेक्ट बिजनेस में आना दोस्तों, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो जो इस लाइन के बारे में बहुत पुराना आपने, आप उसके साथ बैठिए, उठिए, उससे आप जानिए, उसके बाद आप खोलिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी दोस्तों। और जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो मेरा एक फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा ने किया, चाचा ने किया, और अब मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं संभालता हूँ। तो मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ,
अब जो नया बंदा इस लाइन में आएगा तो उसके लिए थोड़ा सीखना थोड़ा वो रहेगा। तो बस ऐसे ही दोस्तों मेरी था आज का, बाकी आप लोग साथ दीजिए, वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल का अगर आपने नहीं किया तो। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो पे, आप बहुत कम टाइम है दोस्तों और इसके बाद अभी और पिकअप करना है, तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट, जय श्री राम, नमस्कार।